हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपको जो है उसके मार्केटिंग यानी उसके प्रमोशंस के लिए कौन से ऐसे टॉप बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, जिनका आप इस्तेमाल करके जो है काफी अच्छा खासा जो है ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। और ट्रैफिक आएगा तो नो डाउट आपको जो है उससे बेनिफिट भी होगा, कन्वर्जेंस भी होगा। तो ये चार जो है हमारे कौन से टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए जो है हम वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो यहाँ पे जो मैंने चार सोशल प्लेटफॉर्म आप लोगों को बताने वाला हूं, जिनका मैं भी खुद इस्तेमाल करता हूं और जिनसे मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ट्रैफिक मिलता है, उसको मैंने 4 to 1 से तक जो है पूरा इसको कैटेगराइज किया है। तो जिसमें 4 नंबर जो है वो सबसे कम ट्रैफिक जनरेट करता है एफिलिएट के लिए, और जो नंबर 1 पे है वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जनरेट करता है। तो यहां पे चौथे नंबर की अगर बात करें तो चौथे नंबर पे मैंने रखा है इंस्टाग्राम को। अब इंस्टाग्राम जो है एक इसकी काफी अच्छी रीच है और अगर आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर बन जाते हैं तो इन दैट केस जो है आपको अच्छा खासा कन्वर्जन भी यहां पे मिल पाता है। लेकिन यहां पे आपको जो है कन्वर्जन करने के लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है खेलना पड़ता है, बिकॉज यहां पर आपको इंस्टाग्राम जो है URL पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं देता है। तो आपको कुछ ऐसा काम करना होता है कि आपके कोई भी इमेजेस हो, अगर उससे आपको जो भी आप करना चाहते हो वो आपको जिसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन, वो आपको करवाना आना चाहिए उस इमेज के जरिए। अगर आप वो करवा सकते हैं तो वहां से ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पे लाइए, और फिर वेबसाइट से तो डेफिनेटली वो आपके कंट्रोल में, आपका खुद का शोरूम है, वहां से जो करना है फिर आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है जिसके जरिए जो है हम काफी अच्छा खासा जो है ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3 पे मैंने रखा है पिंटरेस्ट को। अब पिंटरेस्ट में ट्रैफिक तो अच्छा खासा मिल जाता है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आपका जो निश है वो अगर वुमेन कैटेगरी से रिलेटेड है तो ही आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपका वुमेन कैटेगरी में नहीं है तो आपको ट्रैफिक मिलेगा लेकिन वो इतना क्वालिटी वाला ट्रैफिक जो आपको चाहिए है एफिलिएट के लिए वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बेस्ट चीज जो पिंटरेस्ट की है वो ये है कि यहां पर आप हर इमेज के साथ में एक URL जो है वो एनकोड कर सकते हैं। सो यहां पर ये एक बेहतर तरीका जो है आपको मिल जाता है ट्रैफिक को डायरेक्टली जहां पर भी आप लेके जाना चाहते हैं वहां पर ले जाने के लिए। तो यूजर जो है इसके जरिए बहुत आसानी से जो है कॉल टू एक्शन की बात करें तो आप URL डाल देंगे तो उसके ऊपर क्लिक करके जो है डायरेक्टली आपका जहां पर आप उसको डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाहते हैं वहां पे आसानी से लेके जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर पे मैंने रखा है यहां पे फेसबुक को। अब फेसबुक जो है ये काफी अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और यहां पर अगर आपने एक अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर लिया, एक अच्छा खासा अपना जो है पेज को अच्छे खासे व्यूअर्स फॉलोअर्स लेकर आ गए तो इन दैट केस जो है यहाँ पे आप एक बहुत ही अमेजिंग जो है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए लिंक जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन, अगर एफिलिएट की मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको वो सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल ओपन सोर्स दिया गया है कि आप जो है आसानी से जो आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको चीजों को जो है इतना अट्रैक्टिव बनाना है सो दैट कि लोग जो है आपके पेज पे विजिट करें, आपके पेज को लाइक करें, फॉलो करें। और अगर आपने ऐसी एक कंसिस्टेंसी बना ली यानी कि आपने जो है रेगुलर बेसिस पे काम किया तो फेसबुक जो है वो बहुत ही अमेजिंग इनकम जनरेट करने के लिए जो है एफिलिएट मार्केटिंग की आपको हेल्प करेगा। और नंबर 1 पे मैंने रखा है जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग आज की डेट में चल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट इज यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके जरिए आप जो है मल्टीपल तरीकों से जो है पैसा कमा सकते हैं। नो डाउट एडसेंस से कमा सकते हैं, आप स्पॉन्सरशिप से कमा सकते हैं, आप जो पेड प्रमोशंस वगैरह से कमा सकते हैं, और जो है यहाँ पे आप एफिलिएट के अगर लिंक डालते हैं और वीडियो के अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उस प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स और उसके फीचर्स वगैरह को, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पे कन्वर्जन देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना बना के यूट्यूब पे डाले हैं जहां से मुझे आज 2 साल पहले डाले थे, लेकिन आज भी उनका अमेजिंग जो है रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है।
और ऐसे में बस आपको यहाँ पे YouTube पे ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपका ट्रैफिक एक वीडियो की वजह से आ रहा है तो आपको काफी ज्यादा मिल सकता है। कंडीशन एक ही है कि अगर आपको जो लिंक्स आप वहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहे हैं उनको रेगुलरली आपको चेक करना है कि आपने जो लिंक डाले हैं वो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं। तो आपको वो चीजों को चेक करते रहना अगर कर सकते हैं और अपडेट करते रहते हैं कंटिन्यू, तो आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, स्पेशली फॉर दी एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये भी एक जो है हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो बनते जा रहा है, और इससे भी बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर हैं जो बहुत अमेजिंग जो है इनकम इसके जरिए जो है जनरेट कर पा रहे हैं। सो गाइस, ये है चार हमारे बहुत ही बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। चौथे नंबर पे मैंने रखा है इंस्टाग्राम को, तीसरे नंबर पे पिंटरेस्ट को, दूसरे नंबर पे फेसबुक को, और पहले नंबर पे मैंने रखा है यूट्यूब को। इसी का मैं इस्तेमाल करता हूं, जहां से मुझे जितना ट्रैफिक मिलता है उसके बेस के ऊपर मैंने प्रैक्टिकल जो कर पाता हूं उसके जरिए ही मैं आप लोगों को ये चार ऐसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बताए हैं मैंने। तो आप भी इनका इस्तेमाल करें एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोशंस के लिए, और आई एम श्योर कि अगर आप अच्छा खासा इसे बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी यहां पे देखने को मिलेंगे। सो गाइस, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।